नमस्ते, पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी चटनी, पुदीना और हरा धनिया की हरी चटनी, जो कि हमें सैंडविच के लिए भी काम आती है और चाट के लिए भी काम आती है। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। हरा धनिया, 10-12 पुदीने के पत्ते, एक नींबू का रस, रोस्टेड चना दाल, हरी मिर्च और बूंदी और नायलन सेव और बूंदी हम इसे बाइंडिंग के लिए यूज करेंगे, और अदरक और लहसुन, नमक और ये बर्फ के 4 टुकड़े हैं। बर्फ के टुकड़े इसलिए डालेंगे हम क्योंकि मोस्टली अपन एक ग्राइंडर में पीसते हैं, तो ग्राइंडर की वजह से हमारे चटनी पे गर्मी की वजह से काला कलर आ जाता है। काला कलर नहीं आना इसलिए हम इसमें बर्फ के टुकड़े यूज करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो रोस्टेड चना की दाल है तो पहले हम इसे मिक्सी से घुमा लेंगे। ये जो बूंदी है नमकीन वाली इसे भी ले लेंगे। ये नायलन सेव है इसे भी हम क्रश कर लेंगे। सेव बूंदी को हमने पीस लिया है। अब इसमें जाएगा ये हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, स्वादानुसार नमक, एक नींबू का रस और बर्फ के टुकड़े, इसे डालकर मैं पीस लेती हूँ। तो गाइस, इस तरह से तैयार हो गई हमारी चाट के लिए हरी चटनी, जो कि सैंडविच के लिए भी काम आती है। अब हम बनाएंगे रेड चटनी, खट्टी मिट्टी, जो भी वो भी चाट के लिए काम आती है। अब हम बनाएंगे चाट के लिए जो लगती है ना खट्टी मिट्टी चटनी, वो वाली चटनी हम बनाएंगे। अक्सर तो ये चटनी इमली की बनती है, पर आजकल इमली किसी को सूट नहीं करती, इसलिए इसे हम आमचूर पाउडर से बनाएंगे। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। मैंने आमचूर पाउडर 1/3 कप लिया है, आधी कटोरी शक्कर और आधी कटोरी गुड़ लिया है, ये है भुना जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, लाल कश्मीरी मिर्ची 2 टेबलस्पून, गरम मसाला, महाराष्ट्र गरम मसाला रहता है वो है, स्वादानुसार नमक और मेरेंस के सीड और एक किशमिश। तो चलिए गाइस, हम इसे चटनी को, लाल चटनी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें अमचूर पाउडर डालती हूँ, फिर उसमें जाएगी शक्कर, उसके बाद उसमें जाएगा गुड़, ये भुना जीरा पाउडर है, उसके बाद 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, एक टेबलस्पून गरम मसाला, महाराष्ट्र का गरम मसाला, और इस सब सामग्री को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, लगभग 1 कप पानी ऐड करेंगे, मीडियम गैस चालू कर लेंगे, फिर इसे हम एक साथ चला लेंगे। तो गाइस, ये हमारी चटनी अच्छी तरह से पक गई है और अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो चुकी है। अब इसमें मैं किशमिश ऐड करूंगी और मेरेस के बीज ऐड करूंगी, ये ऑप्शन है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाले तो चलेगा। तो ये तैयार है हमारी खट्टी मिट्टी चटनी, गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो गाइस,
तैयार है हमारी ये चाट की दोनों चटनियां, हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी। ये मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, और मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।